श्रीमठ में तबाही और बर्बादी के नए मंजर की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले दो आलिशान होटलों को गिराया जाना है, इसके बाद घर गिराए जाएंगे, वो सारे घर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे जो डेंजर जोन में हैं और जिनमें मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। डिमोलिशन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है, लोगों की आंखों में आंसू है और लोग अपने घर खाली कर चुके घरों का आखिरी बार दीदार करने पहुंच रहे हैं जो अब गिरा दिए जाएंगे। पूरा जोशीमठ इस वक्त रो रहा है। जोशीमठ में कई मकान खाली कराए जा चुके हैं और इसे कभी भी गिराया जा सकता है। जो घर खाली हो चुके हैं लोग उन्हें आखिरी बार देखने आ रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब आगे का जीवन कैसे कटेगा ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। इन पीड़ितों का दर्द आपको भी रुला देगा। जोशीमठ में हर घर में आंसू हैं। रेखा जी आखिरी बार अपना मायका देखने पहुंची हैं। मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं ऋषिकेश रहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। अब क्या करें, और आज ऋषिकेश से आई अपने मायके को देखने, अपने भाइयों का हाल देखने। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखा नहीं जा रहा है, दरारें देखी नहीं जा रही है। भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी और आज उन्हीं का ये हाल हो गया, देखा नहीं जाता है। तो ये ऊपर जो ट्रॉफी देख रहे हैं आप, ये बच्चों की वो ट्रॉफियां हैं जो उन्होंने स्कूल में जीती हैं। और अब वो सिर्फ ट्रॉफियां बची हैं, कुछ मेडल बचे हैं, लेकिन घर का बाकी सारा सामान खाली कर दिया गया है। इस घर में सबसे बड़ी बात यह कि कोई क्रैक नहीं है, क्योंकि नीचे वाले मकान खिसक रहे हैं इसलिए इस मकान पे खतरा है। इस कमरे को भी खाली कर दिया गया है, कुछ थोड़े बहुत जूते बचे पड़े हैं। यहाँ किचन अभी इन्होंने सेटअप नहीं ख़त्म किया है, परिवार खाने का इंतज़ाम अपना रखा हुआ है ताकि जब जब तक वो रहें खाना बना सकें। इसके अलावा अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको मंदिर दिखाई देगा, तो मंदिर अपने स्थान पर विराजमान है, मंदिर को नहीं हटाया है लेकिन बाकी सारा मकान हटा दिया है। और माता जी अपने मायके को आखिरी बार देखने के लिए पहुंची हैं। कभी सोचा था मैम ऐसा दिन भी आएगा कि? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं, एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी होगा कभी। बस हमें तो गर्व था अपने इस जोशीमठ पे, हम सोचते थे इससे बढ़िया जगह और इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं होगी जितना ये जोशीमठ है हमारा। जहाँ भी जाते थे अपनी जोशीमठ की तारीफ, हमारे जोशीमठ में ये है, हमारे जोशीमठ में ये है, वो है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, सब खत्म हो गया। तो अचानक जिंदगी कैसे शून्य पर आ जाती है उसकी तस्वीरें यहाँ हैं। ये घर बिल्कुल नया पेंट करवाया हुआ गया घर है लेकिन अब वो टूट गया है। बाकी नीचे वाले घर टूट रहे हैं तो लोग परेशान हैं, दुखी हैं। ये जिस आंगनबाड़ी की मैम बात कर रही थी वो ये है जो पूरी तरीके से दरक गई है और कभी भी गिर सकती है। ये यहाँ की स्थिति है और यहाँ लोगों की आंखों में आंसू हैं। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल असाइनमेंट है ये, क्योंकि लोगों को उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने टूटते हुए देखना, इससे हृदय विदारक कोई नहीं कुछ हो सकता। जब आप एक घर बनाते हैं इस उम्मीद में कि मुसीबत में आपको छत मिलेगी, वो छत ही आपकी चली जाए तो जीवन एकदम शून्य नज़र आता है, और वही यहाँ के लोगों की भावनाएं भी हैं। कर्णप्रयाग में भी इसी तरीके की स्थिति है। बिंदु देवी कर्णप्रयाग में रहती हैं, आज अपना मायका आखिरी बार देखने आई। जहां बचपन बीता, जिस घर से डोली निकली, वो घर अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भाई भतीजे का क्या होगा, ये दर्द उन्हें जीने नहीं दे रहा। हर घर की स्थिति यही है। बिंदु जी हमारे साथ हैं। बिंदु जी कर्णप्रयाग में रहती हैं लेकिन इसी घर में उनका बचपन बीता, आज यहाँ आई है। क्या सोच के पहुंची है मैम? मैंने सोचा मैं आखिरी बार देख लूंगी अपने मायके, अपने भाइयों का घर कैसे मेरे भाइयों ने बनाया है, कैसे मेरे चाचा चाचियों ने बनाया है, हम लास्ट बार देख आऊंगी क्या उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। मोबाइल बज रहा आपका। तो माता जी दुखी हैं और ये शब्द अपने आप में बहुत भारी होते हैं। जब कहीं माँ कहे कि मैं अपना घर आखिरी बार देखने के लिए आई हूँ और ये
भावना शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शादी बचपन में यही गुजरा, शादी यही से हुई है, 19 साल की शादी हो गई थी, फिर ससुराल गई। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मेरे भाई लोग छोटे थे, मेरे पापा गुजर गए थे, मेरे भाई लोगों ने अपनी पैसे पढ़ाई, मेरी मम्मी ने गाय भैंस पाली, पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर अपने बच्चे हुए वो इतनी बड़ी बड़ी मकाने बनाई बच्चों ने, क्या करें अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या मेरे भतीजे भतीजी हम पढ़ाने लिखाने लायक हो रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे क्या करें। तो माता जी अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष याद कर रही, कैसे पिताजी की मौत हो गई, तो माँ ने भैंस पालकर दूध बेचकर घर परिवार को खड़ा किया, भाइयों को पढ़ाया, भाइयों ने जिंदगी में अच्छे मुकाम हासिल किए तो घर बनाया, और अब इन्हें लगा था कि इनकी जिंदगी पटरी पर है और अचानक एक दरार आई तो इनकी जिंदगी अब एक बार फिर तबाह हो गई। और जब सोचिए एक बुजुर्ग अम्मा यहाँ आकर कहें कि अपने घर को आखिरी बार देखने आई हूँ, ये शब्द कितने भारी हैं, और इन शब्दों में किस तरह की भावनाएं इनके मन में चल रही होंगी वो समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।